नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार चुनावों के मद्देनजर सियासी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद की मौजूदगी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुलायम ने बताया कि लालू ने ही नीतीश के नाम की सिफारिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की ठान ली है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के खिलाफ केस की तैयारी में है और इस संबंध में केजरीवाल सरकार मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगेगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व प्रमुख केवी चौधरी को नया सीवीसी बनाया है। वही पूर्ण पर्यावरण सचिव विजय शर्मा की मुख्य सूचना आयुक्त पर नियुक्ति की गई है। दोनों ही पद करीब 9 माह से रिक्त थे, जिनको लेकर सरकार को विपक्ष की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। आईआईटी मद्रास ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना का आरोप झेल रहे छात्रों के एक संघ अंबेडकर परिवार स्टडी सर्कल से बैन हटा लिया है। इस ग्रुप की मान्यता खत्म किए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। ग्लूकॉन डी का नया फ्लेवर बाजार में आते ही विवादों के घेरे में आ गया है। कंपनी के नए उत्पाद में कीड़े निकलने की शिकायत एफडीए अधिकारियों को मिली है। शिकायत मिलने से एक बार फिर ग्लैस्को की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लग गया है। ग्राहक की शिकायत पर दुकानदार से नमूने लेकर एफडीए अधिकारियों ने जांच के लिए भेज दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ राज्य सरकारों के अपने यहाँ स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किए जाने और सूर्य नमस्कार और योग की शिक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ सरकार ने जवाब दिया है कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप EMS TV। नमस्कार।